तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन इज लेट पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हुज इमेज क्यू इन द प्लेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दैट इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाई इन द प्लेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइज ऑन द जेड एक्सिस। लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस बी 5 इफ आर इज द इमेज ऑफ पी इन द एक्स वाई प्लेन देन द लेंथ ऑफ पी आर इज। तो हम इसे पी आर की लेंथ तो नहीं क्या होगी। तो देखो अभी यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला है। एक तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय ए वन इज इक्वल टू y माइनस y वन डिवाइडेड बाय ए टू इज इक्वल टू z माइनस z वन डिवाइडेड बाय ए थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है लेट से वो दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें वो वैल्यू पुट करनी है जो भी हमें दे रखी है x इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू। ओके सो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जो हमारा d का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है d इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो ये एक्स वन वाई वन जेड वन किसकी वैल्यू होने वाली है जो हमारी प्लेन की वैल्यूज होंगी कोफिशिएंट्स की इनकी वैल्यू होने वाली है हमारी इनके ये एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू क्या होगी हमारी जो ये क्यू पॉइंट है इमेज पॉइंट है जो इसके पॉइंट्स निकलने वाले हैं वो होगी इसकी वैल्यू। और ए वन ए टू ए थ्री है हमारे जो इस प्लेन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू निकलेगी हमारी ए वन ए टू ए थ्री के। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ये हमारा प्लेन है ये हमारे पॉइंट्स है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है हमारा जो क्यू पॉइंट है इमेज क्यू इन द प्लेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लाइज ऑन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस लाई कर रहा है मतलब कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे और लेट से जेड कोऑर्डिनेट हमारा हो गया जेड। तो अब ये हो गया अब यहाँ पे इसने क्या बोला है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये हो गया। अब अगर इसमें हमने जो फॉर्मूला के कंसेप्ट अंदर देखा वो लगाते हैं तो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई लेट से डायरेक्ट इसको पुट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पे जो एक्स वन आएगा वो होगा हमारा 0 क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि जो हमारा प्लेन दे रखा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इसका कोफिशिएंट क्या है 1। सिमिलरली वाई में देखेंगे वाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे जेड माइनस यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है ए तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अगर इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या होगा हमारा यहाँ से यहाँ पे हमारे की कंसेप्ट में एक चीज और है यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ डी भी आता है। ओके तो यहाँ से देखो अब ये है जब इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई तो 0 है हमारे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ 3 बाय 2 तो ये आ जाएगा यहाँ करेंगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी यहाँ से निकल के यहाँ से माइनस 2 है तो माइनस से माइनस गया तो एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3 और तो हमारा जेड है उसकी वैल्यू तो ए आएगी यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है जो हमें डिस्टेंस दे रखी है क्या बोला गया है यहाँ से लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस बी 5 तो अब इसका यूज करेंगे तो डी इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे वाई क्या है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो यहाँ से जो ए की वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी यहाँ से हमारी प्लस ऑफ 4 क्योंकि नेगेटिव 4 यहाँ पे हम ले नहीं सकते माइनस 4 हम क्यों नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो ये बोला गया इन द फर्स्ट ऑक्टेंट जो बी ए फर्स्ट ऑक्टेंट में लाया कर रहा है तो उसकी मतलब कि एक्स डेट तीनों पॉजिटिव होंगे तो इसीलिए लाया कर रहा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है हमारा ये आ गया इफ आर इज द इमेज ऑफ पी इन द एक्स वाई प्लेन देन द लेंथ ऑफ पी आर ए तो यहाँ से हमें जो पी आर की जो लेंथ है हमें वो बतानी है। लेट से ये हमारा प्लेन हो गया यहाँ पे ये पॉइंट हमारा पी है तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ से वो बनेगी नीचे हो जाएगी आर इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक होगी हमारे जितनी जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगी 4 तो इमेज के लिए यहाँ पे ये भी 4 होगी तो जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 8 जो कि हो जाएगा इसका आंसर। तो लेंथ इसकी हो जाएगी इतनी तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक।